इससे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी जितनी यहाँ आने के बाद हुई है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है डॉक्टर सौमनता और ईश्वर ने पैदा किया हुआ ऐसा इंसान, उससे मिलने का सौभाग्य मिला मुझे। तो ये मेरे हिसाब से ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि साल की शुरुआत में हम दोनों को ऐसा अनुभव हुआ है। बच्चों के लिए क्या मैसेज? क्या है भाई, बच्चों से ही आशीर्वाद मिलना चाहिए, ऐसे बच्चे हैं ये, उनको क्या हम आशीर्वाद दें। ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा निकट वो हैं हम दोनों से, हम सबसे। तो उन्हें सिर्फ मैं यही ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद जो इन बच्चों पर है, चाहे वो इतने छोटे हों चाहे वो बड़े हों जो किट में पढ़ रहे हैं, उन सब पे ईश्वर जो है अपनी कृपा दृष्टि रखें। नहीं, पहली बार मैंने ऐसे देखा। एक तो एक सारी लड़कियां थी, जैसे कि माँ सरस्वती का रूप दिख रही थी। इतनी तादाद में इतनी लड़कियां इस प्रकार से, इस डिसिप्लिन से यहाँ पर बैठी थी, ये कोई साधारण काम नहीं है। और ये काम चलाने वाले जगन्नाथ जी जो पूरा यहाँ पे काम चला रहे हैं, यही भावना से सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ का हर टीचर, हर जो भी एम्प्लॉय है, वो इसी भावना से काम कर रहा है। ये देख के ऐसे लगा कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि हमारे पूरे देश में ये जो ट्राइबल बच्चे हैं वो जिस तादाद में है और जो अब तक उपेक्षित समझे जाते थे, पर जहाँ उनको ऐसे आगे आते हुए देख कर जो मन में खुशी आ रही है, वो मैं बयान नहीं कर सकती। क्योंकि इसकी आज की ज़रूरत ही ये है कि हमारे देश के जो मिट्टी से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उनको आगे